मंजीत तुम शिप्रा मैडम को व्हीलचेयर पर बिठाओ, मैं तब तक रूम की चाबी ले लेता हूं। जी रमन भैया। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू होटल वेलफेयर। अरे ये लाइट को क्या हो गया? यहाँ लाइट आती जाती रहती है। ओके, हमें आज रात के लिए एक स्वीट चाहिए। स्वीट रूम? इस होटल में स्वीट रूम है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे मालूम है होटल वेलफेयर में स्वीट रूम्स हैं। आप प्लीज चेक करिए। मैंने कहा ना सर आपसे, इस होटल में कोई स्वीट रूम नहीं है, आप कोई दूसरा रूम क्यों नहीं बुक कर लेते? ये मैप आपके होटल का? जी सर। मुझे लग रहा है कि ये रूम स्वीट रूम है, रूम नंबर 203। अरे हाँ, ये तो एक स्वीट रूम ही है। वो क्या है ना, मैं अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आई हूँ। पता नहीं किसी ने मुझे इस रूम के बारे में बताया क्यों नहीं। कोई बात नहीं, हम यही रूम लेंगे। श्योर सर। आपके रूम की चाबी। एक मिनट सर, इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। ये सब काम बाद में होता रहेगा। एक्चुअली मेरी कजन शिप्रा बहुत बीमार है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। पर सर। ओके, मैं अपने मैनेजर को भेज देता हूँ। और हाँ, हमें 2 रूम और चाहिए होंगे। श्योर सर। ओके ओके। रमन भैया, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं अपने पैरों पर चल पाऊंगी? क्या मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला? नहीं। तो फिर आज तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा? वो क्या है ना कि सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, मेडिकल साइंस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, इसलिए आपकी बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। घबराओ मत, यहाँ हम तुम्हारे इलाज के लिए तो आए। देखना, यहाँ का डॉक्टर तुम्हें 2 दिन में ठीक कर देगा। ओके? यही होना चाहिए कहीं तुम्हारा रूम। हाँ, लो आ गया तुम्हारा कमरा। लगता है गलत रूम की चाबी दे दी है। मैं सही चाबी लेके आता हूँ। यू वेट। ओके। Thank you.
क्या हुआ सित्रा? अरे कोई बात नहीं, क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपके होटल में जिम तो है ना? जी नहीं। अरे यार अब मेरा क्या होगा? देखिए आप जल्दी से इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए, मुझे 10 बजे से पहले यहाँ से जाना है। ऐसा क्या होता है इस होटल में? ताले लग जाते हैं, उसके बाद ना तो कोई इस होटल के अंदर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है, समझे? आपके कहने का मतलब ये है कि इस होटल के स्टाफ का एक मेंबर तक नहीं रहेगा यहाँ? जी नहीं। कमाल है यार, ये होटल है या हॉस्टल? अगर 11 बजे के बाद मेरा डिस्को जाने का मूड करे तो अपने कमरे में ही नाच लेना, लेकिन अपने कमरे से निकलने की गलती मत करना वरना पछताओगे। सॉरी मैम, हमारे पास स्वीट रूम की दूसरी चाबी नहीं है, आपको यही रूम लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, गुड नाइट। गुड नाइट। भैया मैं कह रही हूँ रूम नंबर 203 में कोई है। मैंने आवाजें सुनी है, कोई था वहां पे? कोई नहीं था, तुम वहां पर अकेली थी ना, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में ये डरावने ख्याल उठ रहे हैं। भैया प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ नहीं, चलो सो जाओ तुम अभी, ठीक है? चलो लाइ डाउन, आराम से सो जाओ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। एक जग था ये भी गया। रिसेप्शन पे फोन करता हूँ, कोई तो होगा वहां। जल्दी फोन उठा लिया? अबे काम चोरी की भी कोई हद होती है, तुम्हें यहाँ पैसे सोने के मिलते हैं या काम करने के? चल एक जग पानी का भेज मेरे रूम में। मिलेगा। इतनी देर कर दी, कुआं खोद के पानी लेके आए हो तुम? अबे बोलता क्यों नहीं? कौन हो तुम? मुझे मत मारो। ये लीजिए आपके रूम की चाबियां। हेलो रिसेप्शन,
ओके ओके होटल देख के तो नहीं लगता कि यहाँ पे आत्माएं होगी। राघव, अगर यहाँ पे आत्माएं नहीं होती तो दुर्जन हमें यहाँ क्यों भेजता? अपनी यामिनी कितनी स्मार्ट हो गई ना। थैंक यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हमें 3 कमरे चाहिए। 3 कमरे ठीक। आप इस रजिस्टर में एंट्री कर दीजिए। ए हर्ष, मैं लिखता हूँ ना। नाइस हैंडराइटिंग ना। ये लीजिए आपके रूम की चाबियां। थैंक यू मैडम। मिस्टर मंजीत ने अपना कमरा चेंज किया है क्या? वो अपने रूम में नहीं है। एक मिनट। मिस्टर मंजीत ने होटल से चेकआउट कर लिया है। व्हाट? ये क्या कह रही हैं आप? ये साइन पहचानते हैं आप? साइन तो मंजीत का ही है, लेकिन वो मुझे बिना बताए यहाँ से नहीं जा सकता। अब ये तो आप उनसे ही पूछिए। मैडम, कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं? देखिए, सब सच सच बताइए कि मंजीत कहाँ है, वरना हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? अब आपका दोस्त आपको नहीं मिल रहा, इसमें हमारी क्या गलती? मुझे तो कल रात से इस होटल में गड़बड़ नजर आ रही है। पहले आपने कहा कि यहाँ स्वीट रूम है, उसके बाद उस रूम में चाबी नहीं लग रही थी, जबकि उस रूम में पहले से कोई था, 203 में। ये सब आपका वहम है। ओ, और जो शिप्रा के व्हील चेयर को कॉरिडोर में किसी ने धक्का दिया, वो भी कोई वहम है? और अब तो आपने हद ही कर दी। आप ये कह रही कि मंजीत आधी रात को ऐसे चेकआउट करके चला गया है? हेलो, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी गेस्ट इस होटल में ऊंची आवाज में बात करे। देखिए, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मंजीत कहाँ है। रजिस्टर में लिखा है ना, चेकआउट कर गया। चेकआउट नहीं किया उसने, आप लोगों ने गायब किया उसे। आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हैव अ गुड डे। देखा, आते ही गड़बड़ शुरू हो गई। मुझे तो लगता है कि मंजीत को किसी आत्मा ने गायब किया। हाँ, मुझे तो ये मैनेजर ही ठीक नहीं लग रहा। ऐसे लगता है जैसे ये कोई राज छुपा रहा है। मोंटी, मोंटी, ये तो मोंटी की बाइक, वो कहाँ गायब? डर गया? डरपोक कहीं का। अबे मोंटी, तू कब सुधरेगा यार? ये हंसना बंद कर और मेरी बात सुन। सुना? ये होटल रात को 10 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद ना कोई बाहर जाता और ना ही कोई अंदर आता है, और वही करेक्ट टाइम रहेगा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, समझा? तो फिर तू आज देख कैसे मोंटी 10 बजे के बाद होटल जाएगा और शिप्रा को गहरी नींद सुला के आएगा। ऐसी गहरी नींद सुलाना कि वो फिर कभी जाग ही न सके, और उसके बाद उसकी करोड़ों की जायदाद मेरी हो जाएगी, मेरी। हर्ष, क्या हुआ? ये तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, इस कमरे के बारे में सोच रहा था। इस कमरे के बारे में? ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इस कमरे की तरह है, जिसमें लोग आते तो जरूर है पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रुकता। हर्ष, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी उदासी तुम्हारी आंखों में झलकती है,
मुझे तो लगता है तुम्हें जल्द से शादी कर लेनी चाहिए। शादी? शादी करने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है, और फिर ऐसी कौन सी लड़की होगी जो मुझसे शादी करना चाहेगी? क्या पता तुम्हारे आसपास ही हो और बस तुम ही नहीं देख पा रहे। वाह 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 वाह, क्या फ्रेमिंग है यार। अगर इसकी फोटो निकाल लेता ना, इस साल का बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड राघव को मिलता। अवार्ड तो तुम्हें दुर्जन देगा जब तुम अपने इस कैमरे में इस आत्मा की फोटो उतारोगे। आत्मा? 10 बज गए, आत्मा के उठने का टाइम हो गया। चल जाके गुड मॉर्निंग बोल के आते। हम यहां से कब जा रहे हैं? अब मैं और यहां नहीं रह सकती। क्या हुआ, यहां कोई परेशानी है तुम्हें? यहां का माहौल कितना अजीब है, हर तरफ बस मनहूसियत ही छाई है। लगता है तुम्हें घर की बहुत याद आ रही है। बस एक बार तुम्हारे पैरों का इलाज हो जाए उसके बाद हम घर चले जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि इस बार तुम घर इस व्हीलचेयर पे नहीं बल्कि अपने पैरों पे चल के जाओ। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। अब आप जल्दी से मुझे उस डॉक्टर से मिलवा दीजिए, फिर देखना मैं एकदम से ठीक हो जाऊंगी। ये हुई ना बात, चलो अब ये दवाई खा लो। चलो रात अब बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। लाइट्स मत ऑफ करना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। अरे तुम कोई बच्ची हो क्या? कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओगी। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। सो जाओ बहना, आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। मुझे मरवाएगा, बोल रहा था कि 10 बजे के बाद होटल में कोई नहीं रहता। लगता है ये सो रहा है। जाके वो मुझे किसी से मिलना है। किससे मतलब? किससे मिलना है? नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी तू करता क्या है होटल में? तुझे सोने की पगार मिलती है ना, तो चुपचाप खर्राटे मार, समझा? नहीं तो जिंदगी भर के लिए सुला दूंगा। तू तो वहां पे था, तू यहां कैसे आ गया? तू वैसे नहीं मानेगा। Thank you.
Yeah.